हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोमीटर के बारे में देखेंगे। माइक्रोमीटर क्या होता है, किस मटेरियल का बना हुआ था, क्या इसकी रेंज है और कितना इसका लीस्ट काउंट है। तो ये हमारा माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर जो है वो प्रिसिशन मेजरमेंट करने के काम आता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीजों को नापने के काम आता है। दूसरा जो है इसका मटेरियल, ये भी निकल क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। इसकी रेंज, जैसे ये मेरे पास माइक्रोमीटर है, इसकी रेंज है 25 से 50 mm, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की चीजों को नाप सकता है। और ये 0.01 mm क्या है इसका लीस्ट काउंट, यानी कि ये मिनिमम इतना नाप सकता है। ओपन करते हैं बॉक्स को। ये देखिए, ये हमारा माइक्रोमीटर है। तो पहले मैं इसके पार्ट्स बताना चाहूंगा, पार्ट्स क्या क्या हैं इसके। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्रेम, ये है इसका एनविल, ये जो आपको ये दिख रहा है ये पार्ट। फिर नेक्स्ट है इसमें, ये इसका है स्पिंडल, ये लॉक नट है। इसको देखो, हम ऐसे लॉक कर देंगे तो घूमेगा नहीं फिर, और हमने इसको लॉक यहाँ हटा दिया तो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ये है थिम्बल, पकड़ के घुमाने के काम आता है। ये रैचेट है। और ये क्या है, आपको ये जो लाइन दिख रही है इस पर, ये जो ये लाइन है, ये इंडेक्स लाइन है ये वाली। और ये क्या है, ये थिम्बल स्केल है, ये जो आपको ये दिख रहा है। और ये जो नीचे वाला स्केल है, ये स्केल है आपका स्लीप स्केल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो इंडेक्स लाइन है, इसकी रेंज, जैसे कि आप ये देखिए, इसकी रेंज जो है वो 25 से 50 mm है। तो ये देखिए, इसमें 25 से ही स्टार्टिंग है। तो इधर की तरफ जो आप ये देख रहे हैं, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29, ये हो गया 30। उसी तरीके से इस तरफ जो है, ये है 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29 और फिर ये 30 हो गया इस तरीके से। तो हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट करना। ये देखिए, हमारे पास ये 10 रुपीज का कॉइन है। हम इसको इस तरीके से इसके बीच में लगाएंगे, सेंटर में बिल्कुल, और इसको हम क्या करेंगे, कसना चालू कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको कस दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। इसको घुमा के देख लेंगे, देखो अब ये बजने लगा, इसका मतलब ये पूरा टाइट है। अब हमने इसको क्या किया, यहां से बंद किया और इसको इस तरीके से निकाल के रख दिया कॉइन को। तो देखते हैं इसकी रीडिंग्स क्या क्या आती हैं। ये देखिए, इसमें ये हो गया 25, 25.5, 26, 26.5, 27, यानी कि इसकी ये रीडिंग क्या आ गई आपकी, 27 mm। ये इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो कितना हो जाएगा, 2.7 सेंटीमीटर। तो हमें ये दो वैल्यू तक और इसकी रीडिंग निकाल ली है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इंडेक्स जो आपकी लाइन है, इसके सामने कौन सी लाइन आ रही है। तो ये देखिए, इसके सामने जो लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है आपकी 10, 11, 12, ठीक है। ये देखिए, यहां से जीरो से स्टार्ट है ये, तो ये यहां तक हो गया 10 और ये 11, 12, तो ये 12 आ गया। तो इसकी यहां पे वैल्यू हो जाएगी 12।